राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित विश्व बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, नवरात्रि में आप गायत्री का लघु अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आपको नित्य 27 माला का आपको जाप करना है। अब इसके पश्चात भी कई लोगों की कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं, कई उनकी इस प्रकार का रहता है कि मनोकामना हमारी पूरी हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है। यदि आपको लक्ष्मी प्राप्ति, आपको लक्ष्मी की जरूरत है, यानी आपको धन की जरूरत है, आपकी दुकानदारी नहीं चल रही है, आप कर्ज से डूबे हुए हैं, तो किसी भी प्रकार की यदि आपके घर में आर्थिक तंगी है, तो फिर आपको 27 माला के साथ साथ में 3 माला लक्ष्मी गायत्री मंत्र का आपको इसके साथ में जाप करना चाहिए। यानी 3 माला गायत्री लक्ष्मी मंत्र का यदि आप जाप करेंगे, तो यह मंत्र जो है आपको ज़्यादा फलित होगा। मंत्र हम आपको बोल करके बताएंगे और स्क्रीन पर भी जो है वो फ्लैश होते हुए जाएंगे, तो आप इन मंत्रों को नोट कर लें और इसके पश्चात अभ्यास कर लें, और फिर इसके बाद में इन मंत्र की आपको 3 माला का आपको जाप करना है। गायत्री लक्ष्मी मंत्र जो है इस प्रकार से है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस प्रकार से आपको लक्ष्मी गायत्री मंत्र का आपको 3 माला का आपको जाप करना है। अब यदि आप विद्यार्थी हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपका बुद्धि काम नहीं करती है, या आप नौकरी नहीं कर रहे हैं लेकिन आपका दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता, आप जो भी काम करते हैं वो भूल जाते हैं बार बार, तो फिर आपकी ये विद्या की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में आपको 27 माला के साथ साथ में 3 माला जो है सरस्वती गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। सरस्वती गायत्री मंत्र किस प्रकार से, वो हम आपको बोल के बता रहे हैं। ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इसके पश्चात में यदि आपके ऊपर 7.5 से नहीं चल रहा है, या 2.5 से नहीं चल रहा है, या आपका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, या आपके परिवार में हमेशा किसी न किसी की तबीयत खराब रहती है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तो महामृत्युंजय मंत्र किस प्रकार से है। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है। रोग द्वेष किसी प्रकार का कोई भी शत्रु है इत्यादि है, तो उसके लिए आप ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, लोग आपको काम नहीं करने देते हैं, किसी भी प्रकार के शत्रु बाधा है, कोर्ट कचहरी के आदि आपको मतलब जो है परेशानी चल रही है, कहीं जमीन का विवाद चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको दुर्गा गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। 27 माला के साथ साथ में 3 माला आपको दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। दुर्गा गायत्री मंत्र किस प्रकार से, वो हम आपको बोल करके बताएंगे। ओम गिरजाय विद्महे शिव प्रयाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम गिरजाय विद्महे शिव प्रयाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। इस प्रकार से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। घर में किसी प्रकार का ग्रह कलेश होता है, पति पत्नी में मतभेद होता है, प्रेमी प्रेमिका में मतभेद होता है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी बच्चे पिता की बात नहीं मानते, पिता पुत्र में मतभेद रहता है, किसी प्रकार की कोई भी आपके घर में समस्या इस प्रकार की चली जा रही है ग्रह कलेश की, तो आप विष्णु गायत्री मंत्र का आपको 3 माला का जाप करने की 27 माला गायत्री मंत्र के साथ साथ है। तो विष्णु गायत्री मंत्र किस प्रकार से, वो हम आपको बोल करके बताएंगे। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस प्रकार से मित्रों, यदि आप 3 माला 27 माला के साथ में इनका यदि आप जाप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए इन चीजों में आपको लाभ मिलेगा। तो आज हमने आपको बताया कि आपको लक्ष्मी की जरूरत है, आपको विद्या की जरूरत है, आपका रोग आपको ठीक करना है, नवग्रह की आपको शांति करना है, या आप
शत्रुओं से भयभीत है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी आदि की आपको दिक्कत चल रही है, या फिर आपके घर में ग्रह कलेश इत्यादि, आप अपने घर में चाहते हैं कि सुख शांति का वातावरण रहे, तो इन मंत्रों का आपको 3 माला गायत्री मंत्र के साथ में 3 माला आखिरी में पहले 27 माला गायत्री मंत्र का जाप कर लें, और फिर उसके पश्चात आप 3 माला इन मंत्रों का जाप करें, और जब आप यज्ञ करेंगे तो उन इन मंत्रों के द्वारा भी आपको आहुति देना चाहिए। 240 आहुतियाँ आपको जो है गायत्री मंत्र की आपको देना चाहिए। 240 आहुति किस प्रकार सुझाती है, यदि आपके परिवार में 3-4 लोग हैं तो 3-4 लोग बैठ जाते तो एक ही पाली में आपका जो है वो पूरा 240 से भी ज़्यादा हो जाती है, और आप यदि अकेले हैं तो फिर आपको कम से कम 2-2.5 माला का आपको मंत्र जो है, यानी आपको 240 मंत्र की आहुति देना चाहिए। मित्रों आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे, हमें आज्ञा दें। नमस्कार।